बात है, वाह 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 गुरु। अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार राम जन्म जाबाज टोपी वाला आप लोगों के बीच में एक ऐसा बिरहा लेके प्रस्तुत हो रहा बानी, जने बिरहा के सुनने के बाद में एक बार आप लोगों का कलेजा गदगद हो जाई और आप लोग दिल दिमाग से हमें आशीर्वाद देव, हम आपके आशीर्वाद का सदा आभारी रह। लोक विधा बिरहा, लोक विधा बिरहा जो लखनऊ से पटना के बीच में गाई जाती है, यहाँ के लोग जहाँ भी बसे हैं वहाँ तक बिरहा और विदेशों तक बिरहा को जानने और मानने वाले लोग विद्यमान हैं। बिरहा के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसे निकाल दिया जाए तो बिरहा का इतिहास अधूरा हो जाएगा बाबूजी। बिरहा जगत के एक महान पुरोधा, यूं कहियो बिरहा जगत के कोहिनूर हीरा, संत गुरु गणेश के शिष्य गुरु रामलाल खलीफा, जिनके शिष्य बिरहा सम्राट पूज्य राम खिलावन पुजारी जी, बिरहा के महाकवि बाबू चंद्रिका कवि जी और बिरहा जगत के भगवान, बिरहा जगत के महानायक, बिरहा जगत के सम्राट पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामदेव यादव जी जैसे लोग रहे, मुझे ऐसी महान शख्सियत का जीवन गाथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बाबूजी। चार लाइन भूमिका में भाव है, रसक गौर करी है, कहना हो वृक्ष का रूप रहता सदा बीज में, वक्त से पहले आकार कोई न जाने, अंकुरते होकर जिस दिन पहुंचता चरम पे, होके मजबूर प्रतिभा को हर कोई माने, छा पाता जमाना है छाया तले, एक दिन होती कदरवान हर एक डाली, रामलाल गुरुजी भी ऐसे रहे, धन जिनसे धरा धाम है सिंधिताली। कितना बढ़िया हमारे पूज्य गुरु श्री रामचरण योगी जी लिखे हैं, वृक्ष का रूप रहता सदा बीज में, वक्त से पहले आकार कोई न जाने, अंकुरित होकर जिस दिन पहुंचता चरम पे, हो के मजबूर प्रतिभा को हर कोई माने, छा पाता जमाना है छाया तले, एक दिन होती कदरवान हर एक डाली, रामलाल गुरुजी भी ऐसे रहे, धन जिनसे धरा धाम है सिंधिताली।
यहाँ एक लाइन गजल लगल गुरु जी, आई गजल विरहा सम्राट रामदेव गुरु जी के बड़े सुपुत्र है हमारे भैया शारदा यादव जी के, ये दिल दिमाग का हरकत है। कौन गजल बा आवा शारदा ब्याह कल के गुरु जी वियोगी कवि जी से कल है सही से कह दबा हम ऐसे कह दे मजा आ जाए। जो मजा मिला मुझको ए जो मजा मिला मुझको जाम नजरों से पीने में, जाम नजरों से पीने में खाने में मुश्किल है, मैं खाने में मुश्किल है हफ्तों या महीनों में, हफ्तों या महीनों की गजल लहल, लेकिन गनावा में भाव कितना बढ़िया है गुरुदेव। कहना बाकी से मिलती मंजिल, मिलती मंजिल उसे जग में, मिलती मंजिल अरे उसे जग में लक्ष्य लेकर जो चलता है, लक्ष्य लेकर जो चलता है मिलती मंजिल उसे जग में, लक्ष्य लेकर जो चलता है सदा मेहनत के तरुवर में, ए सदा मेहनत के तरुवर में फल मीठा ही फलता है, फल मीठा ही यही से कहानी की शुरुआत हो गई। कितनी बढ़िया लाइन कवि लिखलन है, मिलती मंजिल उसे जग में लक्ष्य लेकर जो चलता है, सदा मेहनत के तरुवर में फल मीठा ही फलता है, यही से बात मिलल। बात कहा मिलल तनि सा एक लाइन पर गौर करिए, कहानी साफ हो जाए यहीं से। आत्मज्ञान से जब सोच जागृत होती है, निकलती अंधेरे में बन के दिव्य ज्योति है। मुखराम यादव सिंधी ताली के किसान रहे, धर्म पत्नी सुनारी तंगी से परेशान रहे। विचार धार्मिक नित करते हरिबंदन थे, गोद में पुत्र राम लाल देव नंदन थे। गरीबी के कारण कमाने राम लाल गए, बनारस बाला मामा के यहाँ ननिहाल गए। निवासी अस्सी को
नामी शिल्पकार रहे, लगे सिखाने सीखने में होशियार रहे। इतने नए भैया बड़ा गरीबी रहल, आ गरीबी के चलते मामा के घर रामलाल गुरु जी पहुँचलन हँ। तो का भल तनि से ई देखे मामा गुरपत्तू के बाला मामा क्या रहे, शिल्पकार भी थे और कलाकार भी थे। मामा जी गुरपत्तू के शिष्य कलाकार रहे, रात में बंदन करके लिखते रचनाकार रहे। देखकर रामलाल के भी मन भाव हुआ, लिखूंगा मैं भी बिरह बिरह से लगाव हुआ। ए भैया स्वर्गीय रामलाल गुरु जी मामा के यहाँ रहे लगलन, कारीगरी सीखे लगलन, लेकिन रात में ये देखे कि मामा हमार गुरु वंदना के भजन के रात में बिरह लिखे। तब बिरह की ओर लगाव हो लगल, डेली देखत गिलन देखत गिलन। एक दिन विचार लगना करे कि मामा से कहीं शायद मामा हमें भी बिरह लिखे सिखा दी है, तो हिम्मत बनाए कि एक दिन गुरुजी कहलन, स्वर्गीय रामलाल गुरुजी का कहले भैया बात कितनी बढ़िया है गुरुदेव। अब आए हाय 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 यह कहना ए मामा हम के जनावा सिखाई देता हो, सिखाई देता हो कैसे लिखल जाला बिरह बताई देता हो। भैनिक बात सुनी गरम भैली छतिया, अरे का छोटा मुहा करत बड़ा बड़ बतिया। मामा डांटे लगल, कहा रे लड़के तू जो सीखे ला वो सीखा, विराह चक्कर मत पड़ा। जवन कर शिव निभाई देता हो, अरे निभाई देता हो कैसे लिखल जाल बिरह बताई देता हो। बाला मामा अस्सी निवासी स्वर्गीय रामलाल खलीफा जी के कहे लड़के सुना तू लड़का हुआ जौन करेला जौन सिखेला वह करा, ज्यादा चक्कर मत पड़ा। लेकिन बात लिखल गई का भल तने ई देखा कैसे मामा के कहे का तेवर का रहा का कला गुरुदेव। अरे जवन सिखे अइलम वही में हो पक्का, कविता न सबके बसिक, अरे कविता न सबके बसिक बना जिन हमारो कक्का, कविता न सबके बसिक। कले जौन करेला वह सीखला वह कैला हमार कक्का मत बना। सुना जकरा पे मर्जी करे लने गोसैया, वह कभी होला शायर गवैया, जकरे पे मर्जी मालिक है, जकरे पे मर्जी मालिक होले वह कवि होला वह शायर होला वह गवैया होला। तू ज्यादा चक्कर मत पड़ा। सुना एक बात और कहना, अरे मम्मा के बात से
लागल दिल पे धक्का, कविता न सबके बस के, अरे बनाना हमारो कट्टा, कविता न सबके बस के, देखा बात यहाँ यही लिखल गई, विधाता का लिखल कुछ और है, लेकिन मामा का बात दिल में घाव कह गया, तजे पुरहर मरद हो ओके बाती के घाव, बरछक तीर तलवार के घाव मार देबा, महरम लगी पूरा हो जाए, भरा जाए, लेकिन बात का घाव नहीं भरा, तो कवि लिखल रातों रात खलीफा कैलन का, पूजत नहीं बतिया का घाव, पूजत नहीं बतिया का घाव, ताव मरदन के होला, मरदन के होला, जे सोरा है ना मरद हो, बतिये पर मर गला, बतिये पर जियेला, इस लिखल गल का भेल, अरे रतिया में चली ध्यान ले के कलेश हो, अरे गैल बड़ी पियरी पे जहां गुरु गणेश हो, गुरु माने देखे सुधा भाव, ताव मरदन के होला, रातो रात 80 से बड़ी पियरी गई आ गुरु गणेश गुरु जी के चरण पर जाके स्वर्गीय रामलाल खलीफा पूज गुरु जी गिर गिलन चरण पकड़लन, कल हमें अपन शिष्य बना ला, हम आपका शिष्य बनब, लेकिन कहल कैसे बाबू देखें कहल गल है, गुरु गोविंद दू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, हृदय से गुरु मान ले जब गणेश गुरु के, हृदय से गुरु मान के कैलन का तन ई देखें, बात लिखल गई, गुरु का महिमा, अरे गुरु का महिमा होल भारी जगत में, डूबत के देला उबारी जुगत में, अरे डूबता के देला उबारी जगत में, गुरु का महिमा होल भारी जगत में, आय हाय हाय कितनी बढ़िया गुरु के लिए कभी की गाई लिखले हूं, ज्ञान देवे लगल तब गुरुवर गणेश हो, आराम लाल के दिल के मीटल कलेश हो, सीखे लगल बिराल दारी जगत में, गुरु के महिमा बोले भारी जगत में, जियो जियो खूब बढ़िया, मन लगाए के दिल लगाए के भैया ये बड़ी पियरी पर गणेश गुरु के देवता मान के स्वर्गीय रामलाल खलीफा सीखे लगल, अब बिरहा लिखे लगल, सीखे लगल, यहाँ के तर जाएगी, मन करो था गुरु जी गीतिया बता दे, बिरहा जगत के कोहिनूर हीरा कहे जाने वाले स्वर्गीय रामदेव सम्राट, रामदेव बाबू जी सम्राट की उपाधि जिन्हें बिरहा मिली, कुछ ऐसा गीत रहा हमरे तो ही समझ में आयल कि वो नहीं बदे बनौले रह, कैसे गावे गीत के मास्टर,
सरंगिया वाले कडेरा वाला, अरे सरंगिया वाले कडेरा वा, बताई देर लौरी नाना दी, एक लाइन बताओ है कहाँ वाले नाच वाला, कहाँ वाले आवे बालची, कहाँ वाले आवे शरण, गाना बड़ी भी जोर लाइन है, बात अब तनी आगे बढ़े, जब थोड़ा थोड़ा गुरु के छाया मिले लगल, आ जब खलीफा के छाया मिलल तो का भल तनी हई देखे, शिष्य से शोभित अखाड़ा भयल मनवा के मोह चमानवा हो, अबड़ चेला हरिनंदन रहल जियावन सहदेव के पूज गानव हो, लेकिन रामलाल गुरु का बात देखा, नया रामलाल कभी नहीं ले दारी, अरे चेला निकलने पुजारी हो, नौआ का सोर चहू और मचलबा, नौआ का सोर चहू और मचलबा, मनवा के मोह तरा नवा हो, नई कविता नया लेखनी वही नयापन में बड़े सुंदर कलाकार राम खिलावन पुजारी जी, जब संगत मिला है तो गौर करी है, गुरु रामलाल का जन्म 1904 में और 1924 में गुरु गणेश को सिरनी दिए, 1935 में सफल सुयोग्य कवि के रूप में नामित हुए और प्रथम शिष्य आपके रामलाल गुरु जी के, रामलाल खलीफा के प्रथम शिष्य के रूप में स्वर्गीय राम खिलावन यादव पुजारी जी 1935 में उन्हें सिरनी दी और नामित कवि हो गए रामलाल खलीफा जी, और गणेश गुरु के न रहने के बाद संयुक्त पूजा पहली पूजा कहाँ होए लगल तने ई देखें, विराम भाव लिख लगल कैसे, डमरी में बड़ छुटके बामार मारी, जाइब न डमरी अड़ी गई ले पुजारी, स्वाभिमान से जीने वाला, स्वाभिमान से मरे वाला समाज में जेकर प्यार रहा, डोमरी में जब गणेश गुरु के न रहने के बाद में संयुक्त पूजा होए लगल तो वहाँ छोट बड़का मारा मारी होए लगल, तो ही बड़का हुआ पूजा करीबा, हम बड़े ही वो छोटू हैं, वो बड़े हुआ वो छोटू हैं, ये कुल जब देख लें पुजारी जी के तो ना भावल, तो पुजारी बाबू कैले का तो नहीं देखें, अरे जीवन के अपने बना ले माली, आ 24 में पूजा किए सिंधी ताली, पूजा किए सिंधी ताली,
जाइब न डोमरी अड़ी गई ले पुजारी प्रतिज्ञा कर लेना मन में ठान लेना हम डोमरी ने जब यहाँ छोट पड़कर मार होए लगल तो वहां हम न जा रामलाल खलीफा से रामलाल गुरु से कहलन कि तुम्हार गांव सिंधी ताली है हम तुम्हार शिष्य ही आ तुम्हार पूजा तोरे धरती पर हम करब यह जब विचार बनौने तो का भल तनि ई देखे यहाँ टेरी लिखल गई गुरुदेव अरे मालिक कमरती मेला लग गयल वाह बारे भी योगी कबीर जी आपके भी लिखने के कोनो जवाब नहीं है गुरुदेव कहना हो अरे मालिक कमरती मेला लग गयल पूजा प्रथम पुजारी गुरु का के अकेला अरे अकेला अरे अकेला पूजा प्रथम पुजारी गुरु का किए अकेला मालिक का मर्जी मेला लग गया लेकिन तनी देख कितना सुंदर वर्णन कितना सुंदर सलोना रूप रहल पूज्य पुजारी जी का रंग सुनहरा रूप सलोना रंग सुनहरा रूप सलोना चंदन तिलक से शोभित भाल बाड़ी में रस अदाय अनोखी उच्चारण में अजब कमाल चर्चा मचल भुलहुआ वाला चर्चा मचल भुलहुआ वाला गजब बजावत बा करताल श्रोता मुग्ध रहे सुन बिरहा गयल न कोई दे के ताल ई जजबा रहल पुजारी जी के भुजहुआ वाला पुजारी जी भुजहुआ वाला पुजारी जी चारों तरफ हल्ला मच गल ई रामलाल गुरु के असीम कृपा रहे गुरु भगवान की कृपा रहे कोई ताल देखे तो गईबे ना कर करताल हम देखले रहिए बुढ़ौती में एक दू दंगल गावे को उनसे मौका मिले है उनकर बुढ़ौती रहा मार लड़क पर रह लेकिन याद रहे बार पुजारी जी करताल फेंके ऊपर लोग बजते आवे लोक ले तेज लोग कहें कि गजब बजावत बा करताल चर्चा मचल भुजहुआ वाला गजब बजावत बा करताल श्रोता मुग्ध रहे सुन बिरहा गयल न देखे कोई ताल एक मिसाल हो जमाने में जौन लोग आज भी याद करेल जैसन लिखे वाला वैसन गावे वाला ये जोड़ी कभी कभी मिले ले जितना बढ़िया रामलाल खलीफा लिखे उतना बढ़िया पुजारी जी गाँव है तो एक मिसाल बन गल अब बिरहा में का हमारे वियोगी कवि जी लिख दिलन तनि सा गौर करिए गुरुदेव आवे हाजिर जबरहल गुरुवर जबरहल गुरुवर अरे जबरहल गुरुवर की हाजिर जबरहल गुरुवर अमिल लागल सगरों खिताब हो कि हाजिर जवाब रहल गुरुवरी का रहल भैया कबीर पंथ से उपदेश गुरु चेला चकरक बचन मिले बलुआ के मेला की हाजिर जवाब रहल गुरुवरी ये भैया हाजिर जवाब रहल गुरुवरी राम हनुमान जैसे हिसाब हो कि हाजिर जवाब रहल गुरुवरी लाइन है जितने बढ़िया रामलाल खलीफा लिखे उतने बढ़िया पूज्य पुजारी जी गांव है यही के चर्चा हो गई आज अब चर्चा हो लगल बिरह में तो का भल तनी ई देखे बात तनी और बढ़ो बलिवाले में बेला में बच्चन खलीफा मिल गया आज अब बच्चन खलीफा मिलने बलुआ के मेला में तो का भल
बच्चन जी बैरगिया सिज बगिया हो आ चुन चुन पेड़ लगावन तेनु रगिया सिज बगिया हो वही लहर में वही जमाने में और किले लगे। अरे गद तो चक्कर राम व्रत करी कैला लेखन जारी हो आ मिलन भइल जब गुरुवर से जब गाने लगे पुजारी हो गहन ज्ञान के रहला निकट वियोगी आशीष बगिया हो आ कलम तोड़ लिखे बिरहा कभागिया सिज बगिया हो आय हाय हाय वही जमाने में ये हमरे कवि जी बताओ तो लिखत हो लेखनी में कि थोड़ा और समय जब बीतल हो तो वो घराने में और क्या है एक और कोहिनूर का पैदाइश भइल आ उहो अइले कवि लिखलन आल्हा कलाइन कैसे मास्टर चंद्रिका जब अइले चार चांद लाग गइले भैया गुरुवर के बगिया हो गइली कुल जाऊर बंदिश का कहरा छंद पिंगला या दरिया बाबू छाया बाद कल्पना लिखे हो धुआंधार चंद्रिका का जोड़ ना भी जोड़ हो गईले बाबू गुरुवर के बगिया के कैले पिसितार सूर्य के समान रामा देव उद भैले भैया शेर जस आवाजिया गावे हो ललकार बीरा सबीरा हाथ अद्भुत गवैया बाबू रामदास कोई अरे पावा लसना पार जमाने में जितना बढ़िया चंद्रका कवि जी लिखे उतना बढ़िया स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे जैसे रामलाल खलीफा लिखे तो उतना बढ़िया पुजारी जी दर्शावे लेकिन जमाने में कोई पौलस ना बिरहवे डेराए आज हमके न रामदेव गाए दे लेकिन इतने ना तन से गौर करिए बाबू जी यहां से लेके आदेश विदेश तक का किले सवा में झंडा भैल राम लाल गुरु के सपना सकार रामदेव चंद्र का जोड़ी बन गई जैसन तर शैली वैसन पीरा हकमार रामदेव सूरज न चंद्र का चना रामा बिरहा का लोग खड़ा कैला बजार काबिल लिखवैया अरे गवैया गुरुकुल में भैल फुलवरिया में फुलवा हजार बोले
वाह बारे पूज्य गुरु रामलाल, काबिल लिखोइया गवैया गुरुकुल में भैले फुलवरिया में फुलवा हजार। आज अनेकों प्रकार के फूल खिल गए गुरु के बाग में, लेकिन बाह गुरु के आशीर्वाद से सारी फुलवारी लहलहात है। तो कभी लिखत हुए विराह के आखिरी खड़ी है गुरुदेव, आशीर्वाद गुरु के शिष्य सवाली में सजल, गुरु गणेश का खड़ा सिंधि ताली में सजल, कितनी बढ़िया लाइन हो। आशीर्वाद गुरु के शिष्य सवाली में सजल, गुरु गणेश का खाड़ा सिंधी ताली में सजल। सिंधी ताली की धरती की माँ को हम प्रणाम करते हैं, उस धरती माँ की मिट्टी का तिलक करते हैं, लेकिन देखें गौर करें जहां तक बिरहा वहां तक कीर्ति, आले हला जन्म जहां धन्य भैली धरती, एक से बढ़के एक फूल हर डाली में सजल। देखें इसे घराने का और ऐतिहासिक धरती सिंधी ताली का, उस घराने से गुरुजी स्वर्गीय चंद्रिका कबीरजी स्वर्गीय रामदेव गुरु से लगा 1970 से लेकर के अब तक मोहनिया भभुआ बिहार कैमूर में जन्म लिए परम आदरणीय पूजनीय वंदनीय माननीय सुरेंद्र राय जी, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बिरहा मोबाइल से सुन रहे हैं, इसमें वो दिल्ली में है और याद रहे बहुत बड़ा उनका सहयोग है, अखाड़े से लेकर कितना लगाव है। जब भी गुरु पूजा आता है तो साल में एक बार आते हैं और संचालन करते हैं, बाखूबी ढंग से प्यार दुलार सारे कलाकारों को दिया करते हैं और अखाड़े का हनुमान कहे जाते हैं, बड़ी अच्छी काया है और मोस्त गजब है राय साहब का, कोई जवाब नहीं, बोल भी शक्ति बड़ी बढ़िया है। राय साहब को हम नमन करते हैं, पूज्य श्री रामचरण यादव भी योगी कवि जी के चरणों में कोट कोट सब प्रणाम करते हैं, भाई शारदा यादव जी को साधर साधुवाद देते हैं और उस परिवार के होनहार सुपुत्र भाई बिहारी यादव जी, पूज्य चाचा जी श्री लल्लन यादव जी, सारे परिवार के लोगों का हम
हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, और जो भी त्रुटि होगी हमारे गाने में, कबीर जी की लेखनी में, आप लोग क्षमा करेंगे। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हम अपने गुरु जी का वर्णन गाए, एक महान संत का वर्णन गाने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। तो आखिरी में कहना है गुरुदेव, कैसे गुरुदेव मोहम्मद राम सुरक सिंह सुबदन की बानी कथन करे एक हरिद्वार संगम्बिका जी सैलानी अरे मालिक कमरज मेला लग गयल बियोगी राम जन्म सब गुरु महाराज का खेला मालिक कमरज मेला लग गयल